हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मगर ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट ने इससे भी आगे का काम कर दिया है। हालांकि वो इस बार के खेल में कहीं से भी हारी नहीं है, बल्कि जीत हुई है। ये अलग बात है कि जीत का मामला अभी अदालत में है, फैसला 16 अगस्त को आएगा, मगर जनता के दिलों में जो जीत विनेश ने दर्ज की है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इसी के साथ विनेश फोगाट ने पिछले एक सप्ताह के भीतर पूरी दुनिया में एक और झंडा गाड़ दिया है, गूगल को टॉप कर दिया है। जी हाँ, आप कहेंगे कि कोई कॉलेज टॉप करता है, यूनिवर्सिटी टॉप करता है, बोर्ड टॉप करता है, ये गूगल टॉप क्या होता है? तो गूगल टॉप यानी कितने लोग गूगल पर आपको सर्च करते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। इस मामले में विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया में टॉप कर दिया है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि किन किन देशों में विनेश फोगाट के बारे में लोग जमकर सर्च कर रहे हैं, भारत में किन किन राज्यों में विनेश फोगाट टॉप पर है। उधर फैसले में हो रही देरी को लेकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने निराशा जताई है। इसके साथ ही खेलों के इंटरनेशनल कोर्ट में भारत का पक्ष रखने वाले एडवोकेट हरीश साल्वे की टीम की तरफ से आशा जताई गई है, यानी ये जो देरी हुई है ये उम्मीद की किरण बन सकती है विनेश फोगाट के लिए। क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। इसके अलावा रामराज्य वाले उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको सिर पीटने पर मजबूर कर देगी और चुनाव जीतने के भाजपाई सिस्टम का पर्दाफाश भी करेगी। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बीजेपी के ही लोगों ने यह माना था कि लोकसभा चुनाव में अधिकारियों ने इनका समर्थन नहीं किया, इनके हिसाब से काम नहीं किया, इसलिए भाजपा चुनाव में हार गई। अब यूपी में हो रहे 10 उपचुनाव को लेकर योगी सरकार का एक बेहद सर्वनाश कारनामा सामने आया है जो किसी भी रूप में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। मगर उन सब पर बात करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। आनंद से हर एक वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर किया करिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमें आर्थिक सहयोग का प्रयास जरूर करें, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछला पूरा सप्ताह विनेश और भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए काफी उतल पुथल भरा रहा। इसमें बहुत सारी नाटकीय घटनाएं हुई और ये घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसके बाद 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई। 7 अगस्त को उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद विनेश ने इस मामले में CAS में अपील की और सिल्वर पदक की मांग की गई। इसके बाद 8 अगस्त को अचानक विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 9 अगस्त को पेरिस में विनेश की अपील पर सुनवाई पूरी हुई। 10 अगस्त को फैसला सुनाया जाना वाला था मगर इसे 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के भीतर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया। 13 अगस्त को भारतीय कुश्ती संघ ने फिर से घोषणा की और बताया कि CAS ने विनेश की अपील पर अपना फैसला फिर से स्थगित कर दिया है। अब अंतिम फैसला 16 अगस्त को आने की उम्मीद है, यानी 6 अगस्त से लेकर अब तक लगातार विनेश फोगाट के मामले पर सस्पेंस बना हुआ है और देश तथा दुनिया के लोगों की इस मामले में इतनी रुचि है, इतना सर्च कर रहे हैं कि उन्होंने विनेश फोगाट को गूगल सर्च में टॉप पर पहुंचा दिया। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 दिनों में भारत समेत दुनिया के 23 देशों में सबसे ज्यादा सर्च विनेश फोगाट को लेकर हुआ है। गूगल सर्च पर विनेश फोगाट दुनिया भर में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली एथलीट रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि किस देश में कितने प्रतिशत लोगों ने विनेश फोगाट को सर्च किया। भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो यहां 70% लोगों ने विनेश फोगाट के बारे में जानना चाहा। इसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर कतर, ओमान, नेपाल, सिंगापुर, कनाडा, बाकी लिस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं। वहीं भारत के सभी राज्यों में विनेश टॉप सर्च में रही। हरियाणा में 100%, दिल्ली में 93%, गोवा, चंडीगढ़ में 84%, बाकी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग विनेश फोगाट के बारे में गूगल पे सर्च कर रहे हैं। गूगल के आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 दिनों में विनेश फोगाट को दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में सर्च किया गया। इनमें से 23 देश ऐसे हैं जहां इंटरनेट यूजर्स के मुकाबले सर्च प्रतिशत 1 से लेकर 100% तक रहा। अन्य देशों में सर्च प्रतिशत 1% से नीचे रही, यानी 23 देशों में बहुत ज्यादा सर्च हुआ, 27 देशों में उसकी तुलना में कम रहा और दुनिया के 50 देशों में जमकर विनेश फोगाट के बारे में सर्च किया गया है। इस सर्च में 100% स्कोर के साथ भारत सबसे टॉप पर है और भारत के भीतर हर एक राज्य में विनेश फोगाट सर्च ट्रेंडिंग में रही है। और यदि भारत के गूगल सर्च की बात करें तो इन 23 शहरों में विनेश फोगाट के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया। ये वो सर्च नहीं है जो करोड़ों खर्च करके कुछ लोग IT सेल के गुर्गों के माध्यम से करवाते हैं अपना भौकाल टाइट करने के लिए। ये वो सर्च है जो जनता कर रही है अपनी मर्जी से। कल ही हमने देखा कैसे हरियाणा में कुछ लोगों ने विनेश फोगाट के लिए 11 लाख रुपया कैश तथा 2 एकड़ जमीन देने का ऐलान कर दिया। लोग चाहते हैं कि शोषण मुक्त ट्रेनिंग सेंटर विनेश फोगाट बनाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करें। इसके लिए देश की जनता हर एक संभव मदद करने के लिए तैयार है। उधर खबर यह है कि 16 अगस्त को यानी जब तक विनेश फोगाट
फोगाट की अपील पर फैसला नहीं आ जाता तब तक वो भारत वापस नहीं आएंगी। वहीं फैसले में हो रही देरी को लेकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने निराशा जताई है और एक्स पर लिखा है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण काम में देरी होती है तब हम सबको निराशा होती है। आज जब हम विनेश फोगाट मामले पर CAS के फैसले में देरी के बारे में बात कर रहे हैं तब भी इसी तरह की निराशा झेल रहे हैं। बिंद्रा कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि हम एथलीट हर 4 साल इसी इंतजार में बिताते हैं कि एक बार फिर ओलंपिक में छाने का मौका मिल जाए। हम एथलीट कह रहे होते हैं कि काश ओलंपिक गेम्स जल्दी चला आए। आज पूरा भारतवर्ष उसी भावना को महसूस कर रहा है, घबराहट, प्रत्याशा, जल्दबाजी की भावना। हम सभी इसी स्थिति में गुजर रहे हैं। खेल सिर्फ मैदान पर होने वाली चीजों के बारे में नहीं है, ये इंतजार, धैर्य और आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता के बारे में है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए जब हम 16 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आइए याद करें कि हमारे एथलीट क्या क्या करते हैं और उनका उत्साह वर्धन करें, ये जानते हुए कि वे सबसे लंबे खेल रहे हैं। उधर फैसले में देरी को लेकर वरिष्ठ एडवोकेट हरीश सालवे और एडवोकेट सिंघानिया की कानूनी टीम के अनुसार बार बार विस्तार से यानी फैसले की तारीख आगे बढ़ाने से ये पता चल रहा है कि CAS इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार कर रहा है। इन्होंने उम्मीद जताई है कि गहन विचार विमर्श फोगाट के लिए सकारात्मक परिणाम का संकेत दे सकता है क्योंकि मध्यस्थ मामले को गंभीरता से ले रहा है। इनका कहना है कि हम जानते हैं कि CAS के ताजा पैनल के पास 24 घंटे की समय सीमा है और इन्होंने फैसले की समय सीमा एक से अधिक बार बढ़ाई है। इसका मतलब है कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और यदि ऐसा है तो ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है। एडवोकेट सिंघानिया के अनुसार CAS में सफलता की दर आमतौर पर कम होती है लेकिन चल रहे विचार विमर्श से उम्मीद जगती है कि फोगाट के मामले में कोई ऐतिहासिक निर्णय निकल सकता है। इनका कहना है कि उन्होंने पहले भी CAS में कई केस लड़े हैं, यहां बहुत कम सफलता मिलती है, मगर इस बार हम एक ऐतिहासिक निर्णय की मांग कर रहे हैं। यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन उम्मीद है कि कुछ बड़ा होगा। यानी कुल मिलाकर वकीलों की टीम का मानना है कि फैसले में देरी का मतलब यह हो सकता है कि वो लोग गहनता से विचार विमर्श कर रहे हैं और कोई ऐतिहासिक फैसला आ सकता है जो विनेश फोगाट के लिए अच्छी खबर ला सकता है। बाकी खबर कैसी आती है यह तो 16 अगस्त को ही पता चलेगा। आइए अब राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश की गजब कहानी सुन लीजिए। हाल ही में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बन गई। 2 नंबर का मतलब नंबरिंग रैंकिंग में 2 नंबर की पार्टी बन गई। दावा तो था कि 80 सीट जीत जाएंगे मगर 33 पर ही लटक गए। इसके बाद खबर आई कि बीजेपी के भीतर जिन नेताओं ने हार की समीक्षा की उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने भाजपा का साथ नहीं दिया इसीलिए ये चुनाव हार गए। सवाल उठा कि क्या अधिकारी भाजपा के लिए काम करने के लिए बने हैं, क्या अपनी सत्ता में भाजपा अधिकारियों को अपने कार्यकर्ता के रूप में प्रयोग करती है और ये बात जब उन्हीं की रिपोर्ट में सामने आ रही है तो फिर अब कहने सुनने को बाकी क्या रह जाता है, कहां है चुनाव आयोग। मगर ये तो हो गई कुछ हफ्ते पुरानी बात, यहां राम राज्य में हर दिन नया कांड होता है और हो गया है वो भी विश्वगुरु लेवल का। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि यूपी में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। इसके साथ ही जिन 10 जिलों में उपचुनाव होने वाले हैं वहां पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद को छोड़कर कहीं भी यादव अधिकारी हैं ही नहीं, सोचिए। वैसे मुस्लिम और यादव से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी घृणा करते हैं ये पिछले दिनों पूरे देश ने सदन के भीतर देखा। जब लखनऊ में बारिश के बीच लड़की से छेड़खानी की घटना हुई थी इस मामले में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उसमें कई जातियों के लोग थे, उन जातियों के भी थे जिसे भाजपा अपना कोर वोटर मानती है। मगर यूपी के मुख्यमंत्री के जबान पर केवल मुस्लिम और यादव ही आए, बाकी के नाम सीएम योगी पढ़ ही नहीं पाए। और अब देखिए दैनिक भास्कर की एक खबर बता रही है कि मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड से दूर रखने की तैयारी यूपी की सरकार ने किया है और इसके शुरुआत विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों में पोस्टिंग पर रोक लगाकर कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या कुछ विशेष जातियों के अधिकारियों को लगाकर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में चुनावी धांधली करवाना चाहती है। आखिर ऐसे मान का क्या कारण हो सकता है, क्या लक्ष्य हो सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि उपचुनाव वाले जिले में मुरादाबाद में CDO को छोड़कर किसी भी जिले में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, SSP, SP, CDO, CMO सहित फील्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पदों पर एक भी मुस्लिम यादव अफसर पोस्टेड नहीं है। सपा सरकार के दौरान बीजेपी के यही लोग आरोप लगाते थे कि हर जगह इन लोगों ने यादवों को बैठा रखा है, यानी जातिवाद का आरोप लगा रहे थे। मगर अभी खुद क्या कर रहे हैं, क्या ये जातिवाद नहीं है। ये रिपोर्ट बता रही है कि शिवराज यादव प्रयागराज में ADCP के पद पर तैनात थे, कुछ समय पहले ही उन्हें हटाकर मेरठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। वैसे एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार यादव बिरादरी को आखिर क्या संदेश देना चाहती है, कि उन्हें यादवों पर भरोसा नहीं है, जो यादव है वो बीजेपी के खिलाफ ही होगा, यादव कभी भी बीजेपी के लिए भरोसेमंद नहीं हो सकता। तो फिर पिछले दिनों
मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर यादवों को लुभाने की कोशिश क्यों हो रही थी? क्या वो कोशिश नाकाम हो गई? और उत्तर प्रदेश में भी जो तमाम यादव भारतीय जनता पार्टी में है, क्या उन सभी को भारतीय जनता पार्टी अपने लिए गद्दार समझती है? क्या वो भाजपा को नहीं मानते? क्या वो भाजपा के भरोसेमंद नहीं है? मुसलमानों को तो मान लीजिए, वैसे ही इन लोगों ने घोषित रूप से अपना दुश्मन बना रखा है, लेकिन इन लोगों ने यादवों को भी घोषित रूप से अपना दुश्मन बनाने का ऐलान कर दिया क्या? दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि लोकसभा चुनाव में यादव मुस्लिम अधिकारी और कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही सपा कांग्रेस को जिताने में। इससे भाजपा को काफी नुकसान हुआ। चुनाव के बाद बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई और बीजेपी तथा आरएसएस के नेताओं के साथ सरकार और संगठन की बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार और संगठन ने ही तय किया है कि मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाए। इसके साथ ही भाजपा सरकार की यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक रिहर्सल मानी जा रही है, यानी अगर यह सफल हुआ तो 2027 के चुनाव में भी इसको जबरदस्त तरीके से लागू किया जाएगा। दैनिक भास्कर ने यह भी बताया है कि 2027 तक बीएलओ, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य स्तर पर भी मुस्लिम और यादव सहित सपा का वोट बैंक माने जाने वाली जितनी भी जातियां हैं उन सबके कर्मचारी तक मुख्य धारा से बाहर करने की योजना है। यानी अगला विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब होगा तो उसके पहले यादव और मुस्लिम बिरादरी के छोटे छोटे कर्मचारियों को भी मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाएगा ताकि वो चुनाव में बीजेपी को नुकसान न करवा पाए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विपक्षी दलों के जो उम्मीदवार होंगे उनकी जातियों के अनुसार भी अधिकारियों की छटनी की जा सकती है, यानी उनको इधर उधर किया जा सकता है। बीजेपी को यह उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी कटहरी में कुर्मी और मिल्कीपुर में पासी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएगी। ऐसे में सरकार ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लेखपाल से लेकर चुनावी व्यवस्था से जुड़े हुए अन्य पदों पर तैनात कुर्मी और पासी जाति के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। यही रणनीति बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनाई जा रही है। सोचिए यह मामला कितना गंभीर है कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी में छेड़छाड़ की जा रही है, वो भी जाति के आधार पर। यादव मुस्लिम तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी और पासी समाज को भी घोषित रूप से अपना विरोधी मान लिया है, ऐसा नजर आ रहा है। यह खबर बता रही है कि पिछले दिनों कटहरी के कुर्मी बिरादरी के लेखपालों ने भाजपा के विधायकों और सरकार में मंत्री से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं सुनाई। सूत्रों के मुताबिक उन्हें मदद में असमर्थता जताते हुए उपचुनाव के बाद राहत दिलाने का आश्वासन दिया गया, यानी पहले चुनाव बीत जाने दो, इसके बाद कुर्मी बिरादरी के लेखपाल तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इशारों में पहले तुम चुनाव में हमारी मदद करो, इसके बाद हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब सरकार और पार्टी अलग अलग नहीं रह गई, ऐसा लगता है कि पार्टी ही सरकार है और सरकार ही पार्टी है। वैसे सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग कहां है? क्या उसको नहीं दिख रहा है कि जाति आधार पर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को गलत ठहरा सकती है? क्या इसका खंडन किया जा सकता है कि उपचुनाव से पहले जाति आधार पर अधिकारियों को इधर उधर नहीं किया जा रहा है? वैसे चुनाव आयोग से कोई उम्मीद करना भी अपने आप में बेमानी है। वो चुनाव आयोग जिसने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के तमाम झूठों और आचार संहिता के कथित उल्लंघनों पर एक शब्द नहीं बोला, जिसने भाजपा के नेताओं को खुली छूट दे रखी थी, उससे ऐसे मामलों पर सपने में भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।